हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ NFC हमारे मोबाइल में काम क्या आता है, तो आप बहुत सारे लोग जवाब देते हैं कि ये पे करने के लिए काम आएगा, ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए काम आता है और भी बहुत सारी चीज़ें। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका जो यूज़ है वो है NFC टैग्स के साथ में। NFC टैग्स होते क्या है? तो NFC टैग्स जो है एक छोटा सा स्टोर है जिसके अंदर अपन में मोबाइल से एक प्रोग्राम बना के रख सकते हैं और जब चाहे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। बस आपको करना क्या होगा कि अपने मोबाइल का NFC फीचर ऑन करना है और NFC टैग के ऊपर अपने मोबाइल को रख देना है। तो उसी समय जो आपने प्रोग्राम बनाया है अपने NFC टैग के अंदर जो अपना रखा हुआ है, वो प्रोग्राम आपके मोबाइल में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका काफ़ी समय बच जाएगा जो मैन्युअली करने में टाइम लगता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक NFC टैग के अंदर अपना खुद का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि मालगवा, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास NFC टैग को राइट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को जो फेवरेट दो लगते हैं वो है एक NFC राइटर। तो NFC टैग राइटर में आपको इसे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, रीड टैग, राइट टैग, इरेज टैग और प्रोटेक्ट टैग। तो मैं यहाँ पे राइट टैग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू डेटा शीट पे, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे तरीके के हमको मिल जाते हैं ऑप्शंस अपना टैग लिखने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है अगर आपको बिगनर्स है और आपको यूज़ करना है, ये फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऐप है जो मेरे को पर्सनली खुद में जो यूज़ करता हूँ सबसे अच्छा टैग राइट करने के लिए ऐप है, वो है NFC टैग प्रो। तो ये बहुत एक अच्छा ऐप है। यहाँ पर अभी मेरे को NFC ऑन करने के लिए बोल रहा था, मैं NFC ऑन करता हूँ और अब यहाँ पे बोल रहा है अप्रोच टैग। तो मैं जैसे एक टैग के ऊपर अप्रोच करता हूँ तो यहाँ पे ये हमको पूरे टैग्स के डिटेल दे देगा कि इस टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या है, कितनी स्पेस फ्री है, टैग का साइज़ क्या है, प्रोटेक्टेड है या टैग का नाम क्या, सब कुछ बता देता है। तो इस ऐप के अंदर आप राइट कर सकते हैं टैग, इरेज टैग कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टास्क में आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड टास्क और मोर ऑप्शंस। ऐड टास्क में जाएंगे तो हमें टैग राइटर की तरह ही इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें हर एक जो ऑप्शन है उसके अंदर और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो आप देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, इसमें इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, अपने हिसाब से एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बना सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम किसी भी इसमें जाते हैं तो बहुत सारे अपने को ऑप्शंस मिलते हैं कि किस टाइप से हम टैग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपको एक ना एक बार इस ऐप को ट्राई करना चाहिए। तो अब हम एक टैग लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे इसको राइट करना है। तो मैंने टैग लिया, इसको यहाँ पे अप्रोच टैग लिखा हुआ है, तो मैंने मोबाइल के बैक पे बस ज़रा सा टच करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NFC टैग डिटेक्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे टैग की सारी डिटेल्स आ गई है कि ये क्या क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है 137 बाइट्स फ्री है, जो और भी बाकी बहुत सारी डिटेल्स है जो आप पढ़ के देख सकते हैं कि क्या क्या है। इसके बाद अब यहाँ पर मैं राइट टैग में जाता हूँ तो कुछ यूज़फुल ऑप्शन नहीं है ये, और मैं यहाँ पर टास्क में जाता हूँ। अब टास्क में जाने के बाद मैंने ऐड टास्क करा तो यहाँ पर बहुत सारे मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शन से अब मैं एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाऊँगा। तो पहले मैं रूट में जाके एयरप्लेन मोड पर जाता हूँ और एयरप्लेन मोड को इनेबल कर देता हूँ। तो इसको इनेबल करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ओके पे क्लिक करा और ये हमारे यहाँ पर टास्क आ गया है। तो ऐड मोर टास्क करता हूँ मैं और भी टास्क डाल देता हूँ इसमें। तो फिर से मैं रूट में जाता हूँ, सॉरी रूट में, यहाँ पे रूट में जाता हूँ और रूट में जाने के बाद यहाँ पे NFC को भी इनेबल कर देता हूँ। तो ये मैंने करा NFC इनेबल और फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे दो टास्क हमारे बन गए। फिर से ऐड टास्क में जाता हूँ, अब मेरे को चाहिए तो मैं अब यहाँ पे नेटवर्क्स में जाता हूँ। नेटवर्क में जाने के बाद वाईफाई इनेबल करता हूँ और वाईफाई इनेबल कर दिया ये मैंने, और अब यहाँ पे फिर से ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे तीन टास्क बन गए अभी तक में। फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ और नेटवर्क्स में जाता हूँ। यहाँ पे एक वाईफाई का एक और ऑप्शन, वाईफाई नेटवर्क करके, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अपना वाईफाई नेटवर्क ऑन कर सकते हैं जब आपका NFC टैग लगे। तो आप देख सकते हैं ये भी ऑन करके, तो अभी मैं इस वीडियो में ये ऑन नहीं कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस में जाता हूँ। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे
एक ये साइन इस पे क्लिक करो, फिर इसके बाद मैं ले लेता हूँ जैसे कि आपकी वीडियो में यूट्यूब, तो जैसे ही अब मेरा होगा तो आप ये देख सकते हैं ये टैग्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे एनएफसी टैग के ऊपर रखने के बाद। तो ये चार टैग्स अभी चार टास्क मैंने बनाए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाता हूँ, ब्राइटनेस लेवल पे जाता हूँ और ब्राइटनेस लेवल को फुल कर देता हूँ। तो जब भी मेरा मोबाइल को मैं रखूंगा तो उस समय ये फुल हो जाएगी ब्राइटनेस। तो ये मेरे अभी तक के टास्क है। इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ मीडिया में, और जब मीडिया में जाने का देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम है, तो मीडिया वॉल्यूम ये रहा, तो मीडिया वॉल्यूम को भी मैं फुल कर देता हूँ। तो जब मेरे को चाहिए होगा तो ये मीडिया वॉल्यूम भी फुल हो जाएगी। तो ये मेरे सारे टैग्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे टैग्स बन गए हैं, और अभी आपको यहाँ पे मैं साइज़ दिखा देता हूँ कि कितना मेरे पास इस टैग के अंदर साइज़ है। तो टैग के अंदर मेरा 137 साइज़ था, और हमारे राइट की जो स्पेस है वो है 118 बाइट्स। तो हम काफ़ी अच्छे से अपना टैग लिख सकते हैं। तो अब मैं अपना एनएफसी टैग यहाँ पे बोल रहा अप्रोच करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा जैसे अपना एनएफसी टैग लेकर थोड़ा सा दूर रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे तो एरर दे देगा ये। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ गया। अगर मैं इसको अच्छे से रखूँगा पास में चिपका के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट कंप्लीट लिखा गया। तो हमारा जो टास्क है वो हमारे एनएफसी टैग के अंदर हो गया है, डल गया है। तो अब जब भी मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो बस इसके ऊपर रखना है। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि अब इसका नया इसको डिटेक्ट करके कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें आ गई है। तो मैं इसको फिर से यहाँ पर रखता हूँ, एनएफसी टैग डिटेक्टेड आ गया लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं पहले से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जितने भी टास्क है वो सब दिखा रहा है कि इसमें क्या क्या टास्क डले हुए हैं। और आपको यहाँ पे अगर मैं साइज दिखाऊं तो पहले था हमारे पास 137 फ्री, लेकिन अब उसमें 118 आ गया है। दोस्तों मैं आपको जो हमारा टैग के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि किस टाइप से एग्जीक्यूट होगा। तो मैं जो अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस लेवल है वो एकदम लो पे कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो मेरा मीडिया वॉल्यूम है उसको भी कम कर देता हूँ। तो बस ये मैंने इतनी कम कर दी है, और आप देख सकते हैं कि अभी मेरा वाईफाई भी चालू नहीं है। तो अब जैसे ही मैं अपना एनएफसी टैग जैसे ही अप्रोच करता हूँ इसके ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर अप्रोच करा और बस ये हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, और मैंने इसको हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, जैसे आपको याद हो तो मैंने यूट्यूब भी रखा था, वो मेरा हो गया है, मीडिया वॉल्यूम बढ़ गई है, ऊपर आप देख सकते हैं वाईफाई भी चालू हो गया है, और हमारी जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ चुकी है। तो हमारे लगभग सारे प्रोग्राम वो रन हो चुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब एयरप्लेन मोड पे भी मोबाइल आ चुका है। तो आप इसी तरीके से अपना खुद का एक बहुत ही अच्छा एक टैग लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको भी टैग्स खरीदने हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपने मेरी कोई अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो साइट से जाके देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।